हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज दुर्गाष्टमी है और अभी हम लोग आए हैं सेक्टर 8 का दुर्गा पूजा पंडाल घूमने के लिए। और कल हम लोग कुछ रालकिला के कुछ हिस्सों गए थे गाइज, सेक्टर 1 गए थे, सेक्टर 2 गए थे, सेक्टर 19, सेक्टर 20, ये सब कुछ हमने देख लिया है। और आज आए हैं सेक्टर 8। तो यहाँ का जो पंडाल है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी कि मोटेरा स्टेडियम का पंडाल बनाया गया है गाइज, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चलिए। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद में है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है गाइज। और लाइव मैच जो है टेलीकास्ट भी हो रहा है गाइज, और आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है। और गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारा दुकान आया है, और यहाँ पे पानीपुरी का ठेला भी है और चाट का, भेलपुरी का, तो मतलब बहुत सारा खाने पीने का सामान आया है गाइज, और आइसक्रीम, कॉटन कैंडी और बहुत सारा खिलौने का भी दुकान है यहाँ पे। और मेला में जो जो रहता है वो सब चीज़ आया है गाइज, झूला वगैरह। और अभी 4:30 बज रहा है गाइज, और आज जो है हम लोग थोड़ा सा जल्दी आए हैं, और कल हम लोग लेट से गए थे तो बहुत भीड़ हो गए थे और अंधेरा भी हो गया था गाइज, इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी आए हैं। तो देख सकते हो आप लोग, अभी धूप भी है। और यहाँ पे देख सकते हो गाइज, स्मोकी बिस्किट का स्टॉल है, लेकिन यहाँ पे बेचने वाला जो इंसान है वो अभी तक नहीं आया है, रात होने पर आएगा वो। और यहाँ पे एक और पानीपुरी का ठेला जो है वो आ रहा है। तो गाइज, यहाँ पे बहुत सारा स्टॉल और दुकान वगैरह है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो इसके अंदर चलते हैं गाइज और देखते हैं, यहाँ का माँ दुर्गा का दर्शन करवाता हूँ आप लोगों को। और ये देखो गाइज, यहाँ पे आइसक्रीम का कार्ट है, और उसके बाद यहाँ पे गन्ने का जूस मिल रहा है गाइज, और ये जो अंकल हैं वो जूस निकाल रहे हैं गन्ने से। तो गाइज, ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पंडाल बनाया गया है यहाँ पे, ये छोटा सा है गाइज, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो गाइज, अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, और जैसे जैसे रात होगा भीड़ जो है वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अभी लोग जो है अपने काम से ऑफिस गए होंगे, तो ऑफिस से आने के बाद यहाँ घूमने के लिए आएंगे अपने फैमिली के साथ, तो रात को भीड़ होने वाला है यहाँ पे। तो गाइज, अभी हम लोग इस स्टेडियम के अंदर मतलब पंडाल के अंदर जा रहे हैं गाइज, और अंदर से कैसा बना है देखते हैं गाइज, और माँ दुर्गा का दर्शन भी करेंगे। और यहाँ पे गेट है गाइज, तो चलिए हम लोग अंदर जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो गाइज, यहाँ पे बीच में ग्राउंड बनाया गया है, और इस तरह से बनाया गया है गाइज अंदर से। और यहाँ पे लोगों का जो है ऑडियंस का पोस्टर लगा दिया गया है, और वो लोग बैठकर मैच देख रहे हैं। और यहाँ पे इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है, तो इंडिया और न्यूजीलैंड का प्लेयर जो है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, उनका डमी प्लेयर यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। और वहाँ पे स्क्रीन है गाइज, लेकिन स्क्रीन जो है वो बंद है, पता नहीं क्या हुआ, और मैच जो है अभी टेलीकास्ट नहीं हो रहा है। तो गाइज, यहाँ पे बहुत भीड़ है, आप लोग देख सकते हो। तो गाइज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, और वहाँ पे देखो गाइज, माँ दुर्गा का मूर्ति है, और दोनों साइड में देखो गाइज, MS धोनी, एक साइड में MS धोनी और दूसरे साइड में सचिन तेंदुलकर का पोस्टर लगा दिया गया है। तो गाइज, अभी हम लोग माँ दुर्गा का दर्शन करके पंडाल से बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे दो बोर्ड लगा हुआ है और उसमें नंबर्स लिखा हुआ है गाइज, और यहाँ पे एक पोस्टर है और उसमें भी नंबर्स लिखा हुआ है, तो इन नंबर पे पैसे लगा कर वो जो बोर्ड में नंबर है उसको एम करना है, और एम करने से आप लोग जो है वो पैसे जीत सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह का गेम खेला जा रहा है। तो गाइज, स्वागत है आप लोगों का सेक्टर 8 में, और अभी हम लोग सेक्टर 7 से सेक्टर 8 आ चुके हैं,
और यहाँ का जो ग्राउंड है वो बहुत ही बड़ा है गाइज, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा है और बहुत सारा दुकान आया है यहाँ पे देख सकते हो। और वहाँ पे है दुर्गा पूजा पंडाल, और ये देखो गाइज बहुत ही अच्छा अच्छा घड़ी है यहाँ पे। तो गाइज हम लोग इधर से देखते हुए धीरे धीरे करके पंडाल के पास जा रहे हैं, और यहाँ पे मेला में जो जो दुकान वगैरह आया है उधर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं गाइज, क्या क्या चीज़ आया है और कितना कितना दाम है वो सब पूछ लेते हैं। तो गाइज ये जो सेक्टर 8 का ग्राउंड है ये बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा दुकान आया है गाइज मेला में, और बहुत ज़्यादा लोग भीड़ हैं और सब लोग जो है दुर्गा पूजा पंडाल का फ़ोटो उठा रहे हैं और वीडियो बनाने बनाने में लगे हुए हैं, और बहुत सारे लोग जो है शॉपिंग भी कर रहे हैं यहाँ से। और मेरा भाई रिंकू वहाँ पे चश्मे का दुकान है वहाँ पे खड़ा है, तो वहाँ पे चलते हैं गाइज और चश्मा देखते हैं। तो गाइज इस वाले दुकान में देख सकते हो आप लोग बहुत सारा वैरायटी का चश्मा है और वॉलेट्स है और बेल्ट भी है गाइज। और ये देखो गाइज ये मैं हूँ और इस वक्त आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग ये वीडियो देख सको, जो लोग रौलकला में नहीं रहते हैं उन लोगों के लिए रौलकला में किस तरह से दुर्गा पूजा मनाया जाता है वो देख सकें, पंडाल कैसे बनाया जाता है ये सब इसलिए। और यहाँ पे एक बैग का दुकान है गाइज, और यहाँ पे 300 और 350 में बैग मिल रहा है जेंट्स लेडीज़ दोनों लोगों के लिए। और इस सामने में देखो गाइज यहाँ पे खाने पीने का सामान है, और यहाँ पे शर्ट का दुकान है गाइज। तो गाइज फाइनली हम लोग दुर्गा पूजा पंडाल के पास आ चुके हैं, और ये देखो गाइज ये इतना सुंदर है मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे गाइज इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इतना ज़्यादा सुंदर है, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइज, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है, और ये अब तक का बेस्ट है गाइज, मैंने इतना खूबसूरत पंडाल कहीं पे नहीं देखा है, बहुत ही अच्छा बनाया गाइज ये वाला पंडाल। तो चलिए गाइज पंडाल के अंदर चलते हैं और माँ दुर्गा का दर्शन करते हैं, और इसको जिन्होंने डिजाइन किया है और बनाया है उनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है गाइज, प्रदीप क्रिएटर एंड डेकोरेटर उनके टीम ने बनाया है, तो उनको सैल्यूट गाइज मेरी तरफ से, इतना अच्छा बनाया है। और यहाँ पे माँ दुर्गा का दर्शन करते हैं गाइज चलिए, और यहाँ पे भी बहुत भीड़ है गाइज, और थोड़ा सा और पास जाने की कोशिश करते हैं, और ये देखो गाइज लोग सेल्फी लेने में लगे हुए हैं। तो गाइज अभी हम लोग माँ दुर्गा का दर्शन करके आ चुके हैं, और यहाँ से साइड व्यू देख लो गाइज इस दुर्गा पूजा पंडाल का, और कितना खूबसूरत लग रहा है, और मन कर रहा है कि इसे बस देखता रहूँ यहाँ से कहीं ना जाऊँ। और गाइज इस वीडियो को मैंने म्यूट किया है और इस पे वॉइस ओवर किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत जोर जोर से म्यूजिक बज रहा था, और ऐसा नहीं करता तो कॉपीराइट आ जाता गाइज। तो गाइज अभी हम लोग सेक्टर 8 से सीधा सेक्टर 16 आ चुके हैं, और यहाँ का दुर्गा पूजा पंडाल देख सकते हो आप लोग बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे भी बहुत भीड़ है गाइज, और यहाँ पे भी मेला लगा हुआ है गाइज, और यहाँ पे भी बहुत सारा दुकान है देख सकते हो आप लोग। और यहाँ का दुर्गा पूजा ग्राउंड जो है ये भी छोटा सा है गाइज, इसलिए यहाँ पे इतना भीड़ हो गए हैं, छोटा सा ग्राउंड है और बहुत लोग आ गए हैं गाइज देखने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे भीड़ है। और ये देखो गाइज अभी दुर्गा पूजा पंडाल के पास आ चुके हैं हम लोग, और पता नहीं गाइज कैसे लाइट चली गई है अभी, और फिर जनरेटर ऑन करेंगे तो लाइट आएगा, पता नहीं कैसे लाइट चली गई है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे है गेट, चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, यहाँ पे जेंट्स लिखा हुआ है देख सकते हो आप लोग, तो अंदर चलते हैं गाइज और माँ दुर्गा का दर्शन करते हैं, और अभी फ़िलहाल जो है वो लाइट चली गई है गाइज। तो गाइज फाइनली लाइट आ चुकी है, और यहाँ पे देख सकते हो गाइज फैन चल रहा है और बल्ब जो है वो भी जल रहा है, और माँ दुर्गा के पास चलते हैं गाइज और दर्शन करते हैं। और यहाँ का मूर्ति देखो गाइज काफ़ी मस्त बना है ये वाला। तो गाइज अभी हम लोग सेक्टर 17 आ चुके हैं, और यहाँ पे ये एक छोटा सा पंडाल बनाया गया है गाइज, तो यहाँ देख लेते हैं चलिए, और यहाँ पे भी कुछ कुछ बैलून का दुकान आया है गाइज, और कुछ कुछ खाने पीने का सामान भी है, आइसक्रीम और चाट पानी पूरी ये सब चीज़ का,
और ये जो पंडाल है ये छोटा सा है गाइज, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। तो अंदर चलते हैं गाइज और माँ दुर्गा का दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे भी। ओह माय गॉड, ये देखो गाइज, यहाँ का जो दुर्गा मूर्ति है वो काफ़ी भयंकर बना है गाइज, और बहुत ही खतरनाक लग रहा है दिखने में, और पूरा ग्रीन कलर किया गया है गाइज, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी तक हमने जितना भी मूर्ति देखा है ये वाला जो है वो सबसे बेस्ट है गाइज, और बहुत ही खतरनाक लग रहा है। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं सेक्टर 17 का एक और दुर्गा पूजा पंडाल घूमने के लिए, और ये जो पंडाल है ये सेक्टर 17 का जो पेट्रोल पंप है उसके पीछे में एक ग्राउंड है गाइज, तो वहाँ पे बनाया बनाया गया है ये वाला। तो गाइज लालकिला में जो है वो सेम सेक्टर में बहुत सारी जगहों पर पंडाल बनाया जाता है, तो ये भी सेक्टर 17 का है पेट्रोल पंप के पीछे वाला ग्राउंड का। तो यहाँ पे भी मेला लगा है और यहाँ पे भी बहुत लोग हैं गाइज, और यहाँ का भी जो पंडाल है वो बहुत ही अच्छा बना है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया गया है गाइज, जो लोग की बाजा बजाने वाले हैं अभी यहाँ पे, और केसियो भी है इनके पास, तो केसियो बजाएंगे और गाना भी गाने वाले हैं ये लोग। तो चलिए गाइज अंदर चलते हैं और माँ दुर्गा का दर्शन कर लेते हैं। सो गाइज माँ दुर्गा का दर्शन करके अभी आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे देखो गाइज बच्चे लोग जो है वो कैसे खेल रहे हैं इस पे, और हमें तो इसमें खेलने के लिए अलाउ नहीं किया जाता गाइज, और बचपन में हमारे पास पैसे नहीं होते थे इसमें चढ़ने के लिए, और अभी पैसे हैं तो इस पे चढ़ने नहीं देते गाइज। और हम लोग जब छोटे थे उस टाइम पे ये मेला में नहीं आता था गाइज, तो हमें कभी चढ़ने का मौका ही नहीं मिला इस पे। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं आम्बागान सेंट्रल मार्केट, और ये सेक्टर 19 में आता है गाइज, और ये वाला जो है ये पंडाल देख सकते हो गाइज आप लोग कितना खूबसूरत है, और ग्रीन कलर से पूरा ढक दिया गया है, मतलब ग्रीन कलर से बनाया गया है गाइज। और ये जो पंडाल है ये हमारा लास्ट पंडाल होने वाला है गाइज, और इसके बाद हम लोग कहीं घूमने के लिए नहीं गए, और यहीं पे हमारा जो वीडियो है वो एंड होने वाला है। तो यहाँ पे भी बहुत लोग हैं गाइज, बहुत भीड़ है, और लोग जो है फ़ोटो वगैरह क्लिक्स कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और माँ दुर्गा का दर्शन करते हैं। और गाइज आप लोगों को ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो वीडियो है ये यहाँ पे एंड होने वाला है गाइज इस पंडाल के साथ। तो यहाँ पे एंट्री गेट है गाइज, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो गाइज यहाँ पे बाजा बजाया जा रहा है, और इस साल का दशहरा जो है वो इसी वीडियो के साथ ख़त्म हुआ, और हमें एक साल इंतज़ार करना पड़ेगा गाइज फिर से दुर्गा माँ का आने का। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।